So after my recent video which was on what is the salary of a CA, I received a lot of requests from people to talk on the topic of campus placement program by ICAI. Now it is a very requested topic yet very useful and relevant one as campus placement is around the corner. So here I am fulfilling your wish. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel or Mahoussar Khan. सो गाइज़ इन टू डे इस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम बाई आई सी आई ओके सो गाइज़ इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताऊँ एवरी माइन्यू डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सो दैट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है यूजफुल लगती है देन प्लीज़ गाइज डू नॉट फर्गेट टू शेयर इट विद यर फ्रेंड्स एंड फैमिली अपने सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर सर्कुलेट कर दीजिएगा ओके okay? जिसकी इससे हेल्प हो सकती है सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो First of all, let's talk about who organized the campus placement for the CA Freshers. So it is organized by CMIB, which is कमिटी फॉर मेंबर्स इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस ये आई की ही डिफरेंट कमेटी है जो कि फैसिलिटेट करती है कैंपस प्लेसमेंट को ओके दे ब्रिंग टुगेदर दी न्यूली क्वालिफाइड चार्टड अकाउंटेंट्स एंड द इंडस्ट्री दी इम्प्लॉयर्स एंड द रिक्रूटर्स एज वेल तो बेसिकली दोनों लोगों को साथ लाते हैं सो दैट इन दोनों के ही म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो मीट हो सकें इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकें स्किल्ड एम्प्लॉय मिले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेश चार्ट अकाउंटेंट्स को क्या चाहिए क्योंकि क्यों, उनकी क्यों, उनको क्यों एक अच्छी कंपनी मिले अच्छा काम मिले एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ मिले सो so, इन दोनों ही चीज़ों को फुलफिल करने के लिए सी कमेटी बनाई गई है एंड ये फैसिलिटेट करती है कैंपस प्लेसमेंट को ना वट इज द फ्रिक्वेंसी फॉर कैंपस प्लेसमेंट तो कैंपस प्लेसमेंट साल में दो बार होते हैं फॉर एवरी अटैम्प्ट नवंबर एंड मे वालों के लिए डिफरेंट टाइम पर कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है ओके okay? एंड uh, अगर आपने नवंबर अटैम्प दिया है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जैन में जैन के बाद आपके कैंपस होंगे मार्च या फिर अप्रैल में वहीं अगर आपने मे अटैम्प दिया है देन आपका रिजल्ट आएगा जुलाई में तो जुलाई वालों के लिए सितंबर अक्टूबर में कैंपस होता है तो आपको आसानी से एक से डेढ़ महीना मिलता है टू प्रिपेयर फॉर द कैंपस इंटरव्यू ओके तो इट इज़ मोर देन इनफ अगर आप इस टाइम पीरियड में अपने कैंपस की तैयारी कर लेते हैं देन आप ईजीली कैंपस में जॉब हासिल कर सकते हैं ओके नाउ कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल होते हैं टू सिट इन दैंपस प्लेसमेंट कौन सी सी कंडीशन हैं जो कि उनको पूरी करनी पड़ती हैं यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं फर्स्ट किस अटैम्प्ट में सी ए बने हैं एंड वो बिल्कुल रिसेंट वाला अटैम्प्ट होता है ओके सेकेंड कब उनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई है ये दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तो अगर मैं अभी मार्च अप्रैल ट्वेंटी कैंपस की बात करूँ तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी हैं कि आपने नवंबर अटैम्प में सी बना होना चाहिए ओके okay? और आपकी जो आर्टिकलशिप है वो थर्टियथ अप्रैल 2022 तक हो जानी चाहिए वही लोग इसमें अपेयर हो सकते हैं बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आ जाती है वो कौन सी हो सकती है कि आपने एग्जाम तो दिए थे मई 2021 में ओके आपका रिजल्ट भी आ गया था बट उसके बाद आपने अपनी कॉपीज़ को वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ था एंड आपका रिजल जो रिजल्ट आया था वो आया था ट्वेंटी सेवन्थ अक्टूबर के बाद ठीक है तो ऑब्वियसली उस अक्टूबर सेप्टेम्बर कैंपस में तो आप नहीं बैठ पाए होंगे तो अब जाकर आप कैंपस में बैठ सकते हैं अगर आपके आर्टिकल चाहे फर्स्ट नवम्बर एंड थर्टीथ अप्रैल तक हो चुकी हो या फिर होने वाली हो ओके okay? तो इस केस में आप अप्रैल एंड ये जो मार्च वाला कैंपस होने वाला है इसमें आप बैठ सकते हैं ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाता है कैंपस में बैठने के लिए जिस अटेम्प्ट में आप सी बने हो उसके एकदम इमिजिएट कैंपस में आप बैठ सकते हैं अगर आपने कॉपीज दी हैं वेरिफिकेशन के लिए तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट लेट आएगा तो हिसाब से आपका कैंपस जो है वो आगे जाकर पोस्टपोन हो सकता है बट आपको सिर्फ एक ही चांस मिलता है तो जि जिन जिन भी लोगों को लगता है कि हम ये वाला कैंपस छोड़ दें अगला वाला पकड़ लेंगे नहीं एक्सेप्शन वाला मैंने केस आपको बता दिया है अगर आपका ये केस नहीं है देन यू कैन नॉट अपियर फॉर द कैंपस प्लेसमेंट अगैन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं कौन से सारे स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कैंपस प्लेसमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो आई रिलीज़ कर देता है आफ्टर योर रिजल्ट ओके रिजल्ट आने के बाद आईसीआई आई नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर देगा उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑन साइट एम इस वाली साइट पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा बट सबसे पहले आप वहां पर जाकर अपनी आईडी बनाएंगे जो आईडी होती है वो आपके सी ए फाइनल का रोल नंबर ही, ही होता है ठीक है आपने आईडी बनाई उसके बाद आपको अपनी काफी सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है कौन कौन सी डिटेल्स हो सकते हैं लाइक like, पर्सनल डिटेल्स नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस एंड ऑल उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी पड़ती है लाइक टेंथ की ट्वेल्थ की सी ए इंटर सी ए फाउंडेशन सी ए फाइनल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सबके यू नो पासिंग ईयर देन विद नंबर्स एंड ऑल उसके बाद

ग सेंटर सेकेंड इज स्मॉल ओके बिग सेंटर में क्या क्या, क्या सकता है डेली मुंबई जयपुर अहमदाबाद चेन्नई हैदराबाद बेंगलौर कोलकाता पुणे ओके नाइन सेंटर्स होते हैं उसमें आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी वन एंड देन स्मॉल होते हैं उसमें आपका आ जाएगा नोएडा चंडीगढ़ कानपुर नागपुर एंड काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं वो आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वो आप चेक कर लेना ओके okay? तो ये सारे सेंटर होते हैं तो आपको बेसिकली एक बिग सेंटर एंड एक स्मॉल सेंटर सेलेक्ट करना होता है ओके okay? तो स्मॉल सेंटर को सिलेक्ट करने की डेट थोड़ी सी बाद में होती है बट बिग सेंटर आपको पहले ही सिलेक्ट करना पड़ता है तो आपको छः से दस दिन का टाइम मिलता है इस टाइम पीरियड में आप अपना फॉर्म भर दीजिए सबमिट कर दीजिए यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट डालनी पड़ती हैं बिकॉज एक बार सबमिट आपका फॉर्म हो गया उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं सो so, एडिट करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है अगर आप उसको एडिट कराना चाहते हैं एंड येस यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज फाइव रुपए की पेमेंट करेंगे फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे यू आर डन विद योर रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट स्टेप यहां पर आपका हो चुका है सेकंड स्टेप में आकर कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं ओके तो जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट होती है उसके कुछ दिनों बाद कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं तो यहां पर दो शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है फर्स्ट एंड सेकेंड ओके फर्स्ट में बेसिकली वो सारे जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो फिल्टर करे हुए एकदम कैंडिडेट्स uh, होते हैं उनको वो ले लेते हैं सेकेंड अगर उनका यू नो फर्स्ट में उतने रिक्वायर्ड कैंडिडेट नहीं हो पाए देन वो सेकेंड शॉर्ट की तरफ भी जा सकते हैं तो अगर आपके फर्स्ट शॉर्ट में आपका नाम नहीं आता है देन डोंट वरी हो सकता है आपकी सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग में आपका नाम जाए ठीक है तो जब वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो आप अपनी प्रोफाइल डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं कि इन इन कंपनीज़ ने आपको शॉर्टलिस्ट करा है वहां पर वो कंपनीज जॉब प्रोफाइल जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शनो सी टीसी एंड दी जॉब लोकेशन वो सब कुछ मैंशन करते हैं नाउ कंपनीज के शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है लाइक इट कैन डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी कुछ आपको आपके अटैम्प्ट के बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट करती हैं कुछ ये देखती हैं कि आपने अपनी आर्टिकल चिप किस फॉर्म से करी है यू you नो know? uh, कोई देख सकती है कि आपने अगर, अगर अपना बी कॉम जो है रेगुलर कॉलेज से करा है या नहीं करा है और कुछ सिर्फ रैंकर्स को ही लेती हैं तो काफ़ी सारी यू नो चीजें होती हैं बट इट्स नथिंग लाइक दैट की अगर आपने ये सारी चीजें फुलफिल नहीं करी है तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी नहीं ऐसा भी नहीं है कुछ कंपनीज इवन मल्टीपल

वेट uh, करो जब तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो खत्म नहीं हो जाती है ओके नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप विच इज़ टू गिव द कंसेंट जब कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती है ना तो हो सकता है काफी सारी कंपनीज आपको शॉर्ट लिस्ट कर दें उसमें से आपको फोर कंपनीज को अपना कंसेंट देना पड़ता है आप सिर्फ फोर इंटरव्यूज में ही बैठ सकते हैं ओके okay? नाव जब आप कंसेंट दे देते हैं उसके बाद इट्स टाइम फॉर द इंटरव्यू तो यहाँ पर आपका कैंपस एक्चुअल में स्टार्ट होता है आपके इंटरव्यू सेशन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले तो ऑरेंटेशन यहाँ पर दी जाती है जहाँ पर स्पीकर्स आते हैं आपको कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं एंड वो बताते हैं कैसे आपको कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहिए कैसे इंटरव्यू देना चाहिए वो सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली जनरल चीज़ें ही होती हैं देन आपके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं सो गाइज इंटरव्यू राउंड जो है ना वो भी कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकते हैं लाइक like, काफी सारे राउंड्स होते हैं uh, आपका टेस्ट हो सकता है रिटर्न टेस्ट हो सकता है या फिर ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है सेकेंड uh, आपका जीडी हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं देन उनको फिल्टर आउट करने के लिए जीडी भी हो सकता है देन थर्ड जो आपका होता है वो पर्सनल इंटरव्यू होता है कुछ कंपनीज हो सकता है कि एच राउंड एंड टेक्निकल राउंड को अलग अलग ले लें बट काफी सारी कंपनीज एक ही राउंड में आपको ले लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू में जहाँ पर दो इंटरव्यूर uh, होते हैं आपके एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है एक आपसे एच आर पूछता है ठीक है एंड ड्यू टू दिस कोविड आ, जो इंटरव्यू हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं लाइक like, पूरा कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम जो है ना वो ऑनलाइन ही हो रहा है वर्चुअल मोड से इंटरव्यू हो रहे हैं सो या अब अभी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है जस्ट मेक श्योर कि जब आपका इंटरव्यू हो आपका इंटरनेट कनेक्शन लाइटिंग वगैरह सब प्रॉपर हो आप प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठे हो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप वीडियो के एंड में आपको बताने वाली हूँ बट या यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड अब आपने इंटरव्यू दे दिया और किसी कंपनी ने आपको सिलेक्ट भी कर लिया है ठीक है उसके बाद दे विल शेयर द ऑफर लेटर विद यू ये आपके प्रोफाइल पर भी अपडेट हो जाएगा सो यू हैव टू साइन द डिक्लेरेशन फॉर्म और अगर आपने किसी कंपनी के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दिया एंड देन उसके बाद आप किसी और कंपनी के लिए इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं ये चीज आप ध्यान में रखिएगा ठीक है एक बार किसी कंपनी का अगर आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है उसके बाद आप किसी और इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं एंड केस आपने डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दिया उनको ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया देन आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है ऑफ फीस फाइव थाउजेंड ठीक है तो तभी साइन करिएगा जब आप बहुत श्योर हैं कि आप इसी कंपनी में जाकर काम करना चाहते हैं ना अगेन जो डिक्लेरेशन साइन की जो टाइम लिमिट है ये भी कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकती है कुछ बोलेंगे कि आप शाम तक हमें साइन करके दे दीजिए कुछ बोलेंगे आप नेक्स्ट डे में साइन करके दे दीजिए तो अगैन इट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी सो या यू हैव टू मेक श्योर कि जिस भी कंपनी का ऑफर लेटर आप साइन कर रहे हैं गो थ्रू दैट कंपनी रियली वेल सो दैट आपको बाद में यू you नो know, अपने डिसीजन पर किसी भी तरीके का कोई भी पछतावा न हो ना कौन सी सी कंपनीज हैं जो कि आपको कैंपस प्लेसमेंट में देखने को मिल सकती हैं तो इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको सी एम आई वी डॉट आई सी आई डॉट ओ आर जी की साइट पर देखने को मिल जाएगी बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूँगी लिस्ट को शेयर कर दूँगी ठीक है तो यहाँ पर आ सकती हैं बिग फोर्स सारी बिग फोर्स यहाँ पर आते हैं एक्सचेंचर हो गई आई टी सी टी सी एस भारतीय एयटल रिलायंस ओके हिंदुस्तान पेट्रोलियम आदित्य बिरला ग्रुप ओके एंड आई बैंक जो कि बल्क में हायरिंग करता है हमेशा हर कैंपस में इसने बल्क में हायरिंग करी है तो ये सारे कंपनीज आपको देखने को मिल सकती है ऑब्वियसली देर आर लॉड ऑफ कंपनीज ये कि ये जस्ट मैंने थोड़ी सी कंपनीज बताई हैं कंप्लीट लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं नाउ देर आर सम मिसलेनियस थिंग जिसको आपने ध्यान में रखना चाहिए वाई अपेयरिंग फॉर दी कैंपस प्लेसमेंट फर्स्ट थिंग कि आपका जो एम है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपके अगर एम सी एस कंप्लीट नहीं है देन यू कैन नॉट सिट इन कैंपस प्लेसमेंट सेकेंड कैंपस में कैंपस के इंटरव्यू में जाने के लिए आपको ड्रेस कोड दिया जाता है वही ड्रेस कोड में ही आपको जाना पड़ता है हो सकता है आपको पहले ही डिसक्वालीफाई कर दिया जाए जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन द ड्रेस कोड यू आर नॉट इन योर फॉर्मल्स ठीक है उस चीज़ का आप ध्यान रखना मेंबरशिप नंबर की यहाँ पर जरूरत नहीं है इट इज़ ऑप्शनल अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं नहीं है तो डोंट वरी उसकी ज़रूरत नहीं है उसके अलावा वहाँ पर जो कंपनीज़ आई होती हैं ना वो वो चाहती हैं कि आप इमीजिएटली ज्वाइन कर लें तो इन केस अगर आपका नोटिस पीरियड है टू टू थ्री मंथ्स का दिन हो सकता है वो इस बेसिस पर आपको जॉब ना दें तो ट्राई करना कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो वन मंथ या फिर उससे कम हो सकता दैट आप इमीजिएटली ज्वाइन कर सकें आपको प्रेफरेंस दी जा सके एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कैंपस प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर होते हैं ठीक है थीके? जो फर्स्ट डेट पर जो कंपनीज आती हैं वो मोस्टली सबसे हाई पैकेज ऑफर करती हैं ठीक है फर्स्ट डे पर सबसे हाई पैकेज वाली कंपनीज आएंगी सेकंड डे पर उससे कम वाली पैकेज वाली कंपनीज आएंगी देन थर्ड डे पर उससे कम पैकेज वाली कंपनीज आएंगी तो एंड सो ऑन यू कैन अंडरस्टैंड एंड जब भी आप कैंपस में बैठे बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल सो मेक श्योर की जब आप इंटरव्यू में बैठे आप पहले ही अवेलेबल हो जाए पंद्रह से बीस मिनट पहले ही देख लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम स्टेबल है लाइटिंग प्रॉपर है आपने यू नो प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो किया है सो uh, दैट so वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है आपके इंटरव्यू पर उसके अलावा इनकेस आपको कोई क्वेरी है कोई इशू है कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, हैं, अपना अपना हैं। so yeah ट्राई किया कि जो भी छोटी से छोटी चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इस कैंपस uh, प्लेसमेंट के बारे में एक वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती uh, हो सकता है फ्यूचर में काफी सारी वीडियोज लेकर आऊँ आई एम प्लानिंग टू हैव एटलीस्ट थ्री टू फोर जस्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट ठीक है सो so, आगे भी जाकर आपको देखने को मिलेंगी मेरी इसी इन्हीं तरीके की वीडियोस एंड आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी इन केस आपको लगता है कि किसी और की हेल्प कर सकता है देन प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड आई um, होप कि मैं आपकी इस जर्नी में आपके करियर में थोड़ी भी हेल्प कर पाऊँ देन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी सो या इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन गिव इट अ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली So with this, I will meet you in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.